हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका निकेत वापस आ गया है। आज की हमारी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिस पर मैं दो लाइनें लिखा हूँ। कुछ वक्त का इंतजार मिला मुझको, पर खुदा से बढ़कर यार मिला मुझको। न रही तमन्ना किसी जन्नत की मुझे, तेरी दोस्ती से वो प्यार मिला मुझको। आज की हमारी ये कहानी है निलय की। निलय काफ़ी हैंडसम लड़का था, स्कूल में लड़कियां मरती थी उस पर। निलय अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही पूरी की, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना था। तो निलय के पापा के एक दोस्त थे जो कि शहर में बिल्डर थे, वो ज़मीन की खरीद बिक्री किया करते थे। उनका बहुत सारा फ्लैट भी था जिसको वो बेचा करते थे, किराए पर भी दिया करते थे। तो उन्होंने निलय के पापा से बोला कि आप निलय को लेकर शहर आ जाइए, कुछ फ्लैट खाली है जो मैं निलय को दिखा दूंगा, जो पसंद आएगी वहाँ रह लेगा। उन्होंने निलय को बहुत सारी फ्लैट दिखाई। निलय को एक फ्लैट बहुत पसंद आती है, एरिया भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फ्लैट 2 BHK का था। निलय बोला कि हाँ, ये फ्लैट मुझको बहुत पसंद आई और ये एरिया बहुत अच्छी है। निलय के पापा को लगा कि ये फ्लैट इतनी हाई फाई है, ऊपर से 2 BHK का, इसका तो रेंट बहुत ज़्यादा होगी। निलय के पापा निलय को डांटने लगते हैं कि 2 BHK का फ्लैट क्यों चाहिए तुझे, बेवजह ज़रूरत तुमको 1 BHK की है और 2 BHK का पैसा देनी पड़ेगी। अभी उनके दोस्त बोलते हैं कि अरे यार, पैसे की बात कहाँ से आ गई, बेटा है इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता मैं। तभी उसके पापा बोलते हैं निलय के कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ, बहुत ना ना करने के बाद 3000 में बात पक्की होती है। लेकिन उनके दोस्त तो पैसे लेने से भी इनकार कर रहे हैं। निलय चाबी लिए अपने पापा के साथ गाँव वापस आ जाता है। थोड़ी दिनों बाद निलय शहर शिफ्ट हो जाता है, कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। निलय कॉलेज आने जाने लगता है। निलय जहाँ रहता था वहीं बगल में एक पुलिस स्टेशन भी थी और निलय का फ्लैट था 2nd फ्लोर पर। वहीं फ्लैट के बगल में ही एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पर शाम को बहुत सारे लोग आते थे। उसमें से ज़्यादातर लोग वही थाने के स्टाफ थे, कोई दरोगा था, कोई सिपाही था, वही शाम को टहलते थे, कुछ लोग खेलते थे। निलय शाम को वहीं पर जाने लगा और वो जाकर और सिर्फ बैठा करता था। एक अंकल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम उसके पास आकर बैठते हैं और ऐसे ही पूछते हैं, बातें करते हैं। तो उनको पता चलता है कि ये निलय यहीं रहता है बगल वाले फ्लैट में। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो अंकल बहुत ज़्यादा हैंडसम रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम। पर दोनों की दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही थी और दोनों बहुत दिनों से बात करते थे। तो धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई, दोस्ती इतनी गहरी कि अब दोनों मस्ती मजाक में एक दूसरे को कुछ भी बोल दिया करते थे। जैसे कि अंकल पूछ लिया करते थे इसके गर्लफ्रेंड के बारे में, तो निलय भी कुछ कुछ पूछ लिया करता था। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी था। निलय को शहर आए कुछ महीने हो चुके थे और अब तो निलय का कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। निलय कुछ दोस्तों के साथ बाइक से शहर घूम रहा था शाम के वक्त, तभी पुलिस वाले ने उसकी बाइक को रोक देते हैं और हेलमेट और कागज़ चेक करने लगते हैं। और ये लोग तो पहले से ही बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे, चालान कटने ही वाली थी। तभी निलय को अपनी दोस्त की याद आ जाती है। निलय का जो दोस्त थे वो सब इंस्पेक्टर थे। निलय उनको कॉल करता है और उनको बताता है कि हम लोग 3 आदमी थे, बाइक से जा रहे थे तो हम लोग की गाड़ी पकड़ी गई है। अंकल बोलते हैं कि कॉल दो जरा उनको। कॉल देता है तो बात करते हैं तो इन 3ों को छोड़ देते हैं।
दोनों दोस्त नीलय से एकदम खुश हो जाते हैं। बोलते हैं, वाह नीलय भाई, क्या पहुंच है तेरी। और उस अंकल से नीलय की तो दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। नीलय ये बात अंकल को बताता है कि अंकल, आपके वजह से मेरे दोस्तों के बीच मेरा बहुत इज्जत बढ़ गई है। अंकल मुस्कुराने लगते हैं। नीलय बोलता है कि अंकल, आप मेरा एक काम और कर दीजिएगा क्या। अंकल बोलते हैं, क्या। नीलय बोलता है कि आप एक बार यूनिफॉर्म में मुझको बस कॉलेज के गेट के पास छोड़ दीजिएगा। अंकल जोर जोर से हंसने लगते हैं, बोलते हैं ठीक है, कर देंगे। और कुछ ही दिनों बाद ऐसा होता भी है, अंकल नीलय को कॉलेज के गेट के पास ड्रॉप कर देते हैं और नीलय तो पूरा चौड़ा हुए कॉलेज में अब घूमने लगता है। रक्षाबंधन आने वाली थी तो कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी, नीलय को अपने गांव जाना था। तो अंकल से बोलता है कि अंकल, मुझको गांव जाना है रक्षाबंधन के लिए। अंकल नीलय से बोलते हैं कि नीलय, एक काम था तुमसे। नीलय बोलता है कि हाँ अंकल, बोलिए ना। अंकल बोलते हैं, अगर तुम घर जा ही रहे हो तो अपने फ्लैट का चाबी मुझको दे देना। नीलय बोलता है, क्यों। तो अंकल मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे, हमारी भी तो गर्लफ्रेंड है, मैं भी सोच रहा हूँ एक बार गर्लफ्रेंड को तुम्हारा फ्लैट दिखा दूँ। नीलय मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, लेकिन अगल बगल कोई देखेगा तो। तो अंकल बोलते हैं, उसका टेंशन तुम मत लो, वो मैं संभाल लूँगा। तो नीलय बोलता है ठीक है, मेरे पास वैसे भी फ्लैट की दो चाबियाँ है, एक आप रख लीजिए, एक मेरे पास रहेगी। और फ्लैट में वो वाला दरवाज़ा था जो चाबी से खुल जाएगा, बाहर से भी और अंदर से भी। नीलय रक्षाबंधन में गांव चला जाता है और असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये जो अंकल है पुलिस वाले, इनका नाम तो मैं बताया ही नहीं, इनका नाम था विनय। तो ये जो अंकल है, ये है समलैंगिक और इनका एक दोस्त भी है जो कि इन्हीं के उम्र के है। उस अंकल का भी उम्र 52-53 साल के आसपास थी और वो इसी शहर में किसी बैंक में मैनेजर थे। और वो अंकल, ओ भाई साहब, वो अंकल तो इनसे भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। बाल को हल्का सा बरगंडी कलर से डाई करते हैं, क्या लगते हैं। और आपको क्या लगता है, ये विनय अंकल नीलय से ऐसे ही दोस्ती कर लिए थे। नहीं 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 नहीं, विनय अंकल को नीलय पसंद आया था और विनय अंकल का नीलय से दोस्ती हो जाना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। विनय अंकल नीलय को नोटिस कर रहे थे, उसके बाद विनय अंकल नीलय से बात करना शुरू किया। और पता है विनय अंकल नीलय को ही इतना क्यों मानते हैं, क्योंकि विनय अंकल इसके पहले सिर्फ अपने उम्र के लोगों के साथ ही दोस्ती किए हैं। नीलय पहला वो लड़का था जिस पर विनय अंकल का दिल आ गया था, इसके लिए विनय अंकल नीलय को इतना मानते हैं। और इस कहानी में एक और ट्विस्ट बताऊं मैं आपको, विनय अंकल का इतना ज़्यादा केयर करना, नीलय को भी विनय अंकल बहुत अच्छे लगने लगे थे। नीलय अंदर ही अंदर विनय अंकल को चाहने लगा था, पर उसको लगता था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आदमी को आदमी से प्यार कैसे हो सकता है। क्योंकि नीलय को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आदमी को भी आदमी से प्यार हो सकता है। तो अब हम लोग कहानी पर वापस आ जाते हैं प्रेजेंट डे में। नीलय रक्षाबंधन में गांव गया होता है 4-5 दिनों के लिए। इस 4-5 दिनों के बीच में वो बैंक मैनेजर अंकल और विनय अंकल नीलय के फ्लैट में 2 दिन खूब मस्ती करते हैं। और 2 दिन रहते नहीं हैं, बल्कि 2 दिन शाम को 1-2 घंटे बहुत मस्ती किए थे। जब अंकल फ्लैट से जा रहे थे तो अंकल को दिखा भी कि बेड खराब है, पर अंकल जानबूझकर बेड को ठीक नहीं किए ताकि नीलय को लगे कि हाँ, यहाँ पर कोई तो आया था। नीलय गांव से शहर आता है,
वो अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई तो आया है। तो निलय सोचता है कि विनय अंकल लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, बैंक मैनेजर अंकल और विनय अंकल निलय के बारे में इतनी बातें करते हैं कि निलय को पता भी नहीं। विनय अंकल तो निलय का बहुत सारी फोटो बैंक मैनेजर अंकल को भेज चुके होते हैं, तो बैंक मैनेजर अंकल निलय को बहुत अच्छे से जान चुके होते हैं, पर निलय को इसके बारे में कुछ नहीं पता। शाम को जब निलय विनय अंकल से मिलता है, वही पुलिस वाले अंकल से जब मिलता है, तो उनसे बोलता है कि खूब मस्ती हुआ है। विनय अंकल शर्माते हुए बोले, थैंक यू निलय, ये जो भी हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है। निलय बोला कि अरे इसमें थैंक यू क्यों, ये चाबी अब आप ही रखिए, एक चाबी मेरे पास रहेगी और दूसरी वाली चाबी मेरे पास। फिर दोनों की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। कभी निलय घर जाता था तो अंकल अपने दोस्त को बुला लिया करते थे, और निलय को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो अंकल उसकी मदद कर दिया करते थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात कह ही नहीं पा रहे थे। दिल की बात कहना तो दूर, एक दूसरे को नज़रों में भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि विनय अंकल को लगता था कि निलय ऐसा लड़का है ही नहीं, और निलय को लगता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो दोनों की दोस्ती तो काफ़ी गहरी थी, दोनों का एक दूसरे का साथ रहना, बातें करना बहुत अच्छी लगती थी। पर अफसोस, किसी ने भी अपने दिल की बातें कह नहीं पाए। ऐसा कुछ दिन चला ही था, तब तक दुर्गा पूजा आ चुकी थी। दुर्गा पूजा की कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी। निलय अंकल से बोलता है कि अंकल मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, और हो सकता है मैं उधर से अपने गांव चला जाऊँ। विनय अंकल को तो मौका मिल जाता है। विनय अंकल को लगता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं अपने दोस्त से मिले हुए। वो बैंक मैनेजर अंकल को कॉल करके बताते हैं। दोनों ने प्लान बनाया कि रात को निलय के फ्लैट में ही रुकेंगे, और इधर निलय भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। ऐसे ही थोड़ी रात हुई, बैंक मैनेजर अंकल विनय अंकल के पास आ गए। दोनों बाहर ही खाना खाए और फिर निलय के फ्लैट में चले गए। उधर निलय भी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, और घूमते घूमते रात के 11 बज चुके थे। निलय को अब गांव जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती, तो निलय शहर आने का ही प्रोग्राम बना लिया। निलय अपने दोस्तों के साथ शहर ही आ गया। निलय अपने फ्लैट पर जा रहा था। निलय को ये बात नहीं पता थी कि विनय अंकल फ्लैट के अंदर ही है, और विनय अंकल ने बताए भी नहीं थे कि उनको फ्लैट के अंदर जाना है। निलय जाता है और फ्लैट के अंदर लाइट भी ऑफ थी, तो निलय को कुछ पता भी नहीं चलता है। निलय जाता है, अपने चाबी से दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के खोलते ही सबसे पहले हॉल है, और हॉल से ही दोनों रूम, किचन और बाथरूम का दरवाज़ा होता है। वो उस रूम में जाता है जिसमें उसका बेड है। सबसे पहले तो लाइट ऑन करता है। विनय अंकल रूम वाले दरवाजे को लॉक भी नहीं किए होते हैं। दरवाज़ा बंद तो था पर लॉक नहीं था। निलय दरवाजे खोलता है, और निलय को थोड़ा भी आइडिया नहीं होता है। वो तो बेड की तरफ देखता भी नहीं है, दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन कर देता है। और जैसे ही बेड पर उसकी नज़र जाती है, निलय तो हक्का पक्का रह जाता है। वो चौंक जाता है कि ये क्या है। ऐसी अवस्था में अंकल को देख लेता है, दोनों अंकल को। निलय देखा तो देखता ही रह गया, क्या रिएक्ट करे निलय को भी पता नहीं चल रहा था। निलय को कुछ नहीं सूझा कि वो क्या करे। निलय कैसे भी करके अपने मन को स्थिर किया, और वहाँ से तुरंत रूम से निकला और दूसरे वाले रूम में चला गया, जहाँ पर एक चेयर थी उसी पर जाकर बैठ गया।
क्या रिएक्ट करे, क्या बोले। नीले को तो कुछ पता ही ना चले, और नीले का तो फिर भी ठीक था। इधर दोनों अंकल इतना ज़्यादा डर गए थे कि पूछो ही ना। वो बैंक मैनेजर अंकल तो कांपने लगे, फिर भी दोनों कैसे भी करके एक दूसरे को संभालते हुए उठे। बैंक मैनेजर अंकल पूरा डर चुके थे, और इधर विनय अंकल उनको समझा रहे थे कि नीले ऐसा लड़का नहीं है, उसको मैं समझा लूँगा, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बैंक मैनेजर अंकल जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहनने लगे और बाहर की तरफ जाने लगे। विनय अंकल भी अपना कपड़ा पहने और दोनों बाहर चले गए। नीले थोड़ा देर वेट करता है, उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है। नीले तो बैंक मैनेजर अंकल का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया था। चेहरा देखा तो था, पर उतना भी ठीक से नहीं देख पाया था। नीले जब अपने कमरे में गया तो देखा कि पर्स छूटा हुआ है। पर्स देखते ही नीले को पता चल गया कि ये विनय अंकल का तो पर्स नहीं है, क्योंकि विनय अंकल को नीले बहुत करीब से जानता है। पर्स चेक किया तो उसमें 5-6 हज़ार रुपये थे। ATM कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, जिस पर रविंदर सिंह लिखा हुआ था नाम। पर्स को देखकर नीले समझ गया कि ये पर्स दूसरे वाले अंकल का ही है। नीले रात को सो जाता है, और उन लोगों को लगता है कि नीले क्या सोच रहा होगा। नीले जब देखा था तब उसको शौक जरूर लगा था, पर अब तो नीले इस बात को लेकर खुश है कि जो नीले सोच रहा था वो अब हो सकता है। नीले सिर्फ विनय अंकल के साथ ही सोच रहा था, वो बैंक मैनेजर अंकल के बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर नीले सो गया। सुबह उठा तो विनय अंकल को कॉल किया, पर विनय अंकल कॉल रिसीव नहीं किए। इसको लगा कि शायद सोए होंगे। दोपहर को कॉल किया, फिर भी रिसीव नहीं किए। शाम को भी कॉल किया, फिर भी रिसीव नहीं किए। दरअसल नीले को गांव जाना था, तो वो सोच रहा था कि जो पर्स है उसको लौटाकर फिर गांव चला जाऊं। नए अंकल नीले का कॉल इसलिए रिसीव नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि नीले से मैं क्या बोलूँगा, इसीलिए वो नीले से मिलना नहीं चाहते थे, ना ही बात करना चाहते थे। नीले बहुत कोशिश किया अंकल से मिलने का, नहीं मिल पाया। तो उसके अगले दिन नीले गांव चला गया। गांव से कई बार विनय अंकल को कॉल किया, पर विनय अंकल कॉल रिसीव करे ही ना। मैसेज करता कि कुछ काम है, कॉल रिसीव कीजिए। विनय अंकल कॉल नहीं रिसीव किए। नीले ये भी मैसेज कर चुका था कि मुझको पर्स लौटानी थी, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा था, लेकिन जवाब तो फिर भी ना आए। नीले गांव जितना दिन रहा, लगभग 10 दिन गांव रहा, उतना दिन अंकल से बात नहीं हुआ। नीले शहर आया, और नीले पर्स को वहीं अपने कमरे में ही छोड़कर आया था ताकि अंकल उस पर्स को निकाल सके, क्योंकि एक चाबी तो अंकल के पास था ही। करीब 10 दिन बाद जब नीले वापस अपने कमरे में गया तो देखा कि पर्स वहीं पर पड़ा हुआ है, यानी कि अंकल कमरे में आए ही नहीं है। जब बहुत कोशिश के बाद भी विनय अंकल से बात नहीं हो पाई तो नीले ने एक मैसेज किया, विनय अंकल आई लव यू, मैं भी आपके साथ ये करना चाहता हूँ। ये वाला मैसेज भेजने के थोड़ी ही देर बाद विनय अंकल कॉल करते हैं, पूछते हैं कहाँ हो नीले। नीले बोलता हूँ मैं तो रूम पर ही हूँ, आप कहाँ हैं। विनय अंकल बोले कि मैं भी तो यहीं पर हूँ। नीले बोला कि विनय अंकल आपको नहीं पता मैं आपको कितने दिनों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर विनय अंकल भी बताने लगे कि वो कितने दिनों से नीले को चाहते हैं। फिर नीले बोला कि आइए मेरे रूम पर बैठ कर बातें करते हैं। विनय अंकल रूम पर आते हैं, दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, किस करते हैं। आज कितने दिनों के बाद विनय अंकल का मन हल्का हुआ, वरना विनय अंकल तो इसी टेंशन में जी रहे थे कि नीले क्या सोच रहा होगा। विनय अंकल बोले
कि मैं तो डर ही गया था। नीले बोला कि क्या अंकल, आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते? अगर मैं आपसे प्यार ना भी करता तो भी मैं ये बात किसी को नहीं बताता। विनय अंकल बोले कि हमारा तो चलो ठीक है, एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। नीले बोला कि कौन? बोला कि वही मेरा दोस्त। विनय अंकल तुरंत उनको कॉल किए, वो भी डरे डरे ही लग रहे थे। तभी वो बोलते हैं कि तुमको पता है मैं कहाँ हूँ? पूछे कहाँ हो? बोले कि नीले के पास। वो तुरंत कॉल काट दिए। विनय अंकल फिर कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, एक बार और बता रहा हूँ, नीले मेरे गोद में है। इतना सुनते ही वो भी चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि ये कैसे हुआ? विनय अंकल बोलते हैं कि यहीं पर आ जाओ, मिलकर बातें करते हैं। आज कितने दिनों के बाद मैनेजर अंकल के चेहरे पर खुशी आई थी। दौड़ा दौड़ा आए, तीनों आदमी फ्लैट पर मिले और दोनों अंकल नीलय को किस करने लगे, नीलय को थैंक यू बोलने लगे। नीलय बोला कि अरे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं आप लोग, मैं तो खुद इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा भी बहुत ही ज़्यादा मन है। फिर क्या था, तीनों अब लग गए। सबसे आगे खड़े थे मैनेजर अंकल, बीच में थे विनय अंकल और लास्ट में था अपना नीलय। तीनों ने खूब मजे किए और इन तीनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई। तीनों कई बार एक दूसरे से मिले हैं, कई बार अपना ऑर्डर भी चेंज किए हैं और अब ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तीनों का रिश्ता चल रहा है। और इसी के साथ हमारी कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सब्सक्राइबर 5000 हो चुके हैं। आप सब लोगों को लव यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द।